Hello student, I am MS Chauhan. So today we are talking about a topic which is the galvanometer. So हम galvanometer कर रहे थे, तो इससे पहले हमने galvanometer में किया था. galvanometer का प्रिंसिपल क्या है, galvanometer क्या है, what is the galvanometer, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, वो किस तरह से उसका हम सर्किट डायग्राम से हमने उसकी वर्किंग की थी, किस तरह से हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो हमने उसका एक्सप्रेशन भी निकाला था. अब उससे आगे हम करते हैं कि किस तरह से हम गैरोमीटर को एमीटर बनाएंगे या फिर गैरोमीटर को वोल्ट मीटर बनाएंगे और क्या उनकी मेजरमेंट रहेगी. तो ये सब हम डिस्कस करेंगे स्पेशल केस ऑफ द गैरोमीटर में. तो स्टार्ट करते हैं. पहला स्पेशल केस है कन्वर्जन ऑफ द गैरोमीटर इनटू द एमीटर, यानी गैरोमीटर को हम एज ए एमीटर किस तरह से यूज कर सकते हैं. तो उसके लिए पहली कंडीशन है कि व्हेन ए वेरी लो रेजिस्टेंस, बहुत ज्यादा कम रेजिस्टेंस रहेगा, यानी करंट हमारा इजीली फ्लो होना चाहिए, उसे कह रहे हैं वेरी लो रेजिस्टेंस को, शंट रेजिस्टेंस कहेंगे हम. इज कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में जब हम इसे कनेक्ट करते हैं विद द गैरोमीटर, गैरोमीटर के साथ हम पैरेलल में लगाएंगे वेरी लो रेजिस्टेंस को, देन दिस गैरोमीटर वर्क्स एज ए एमीटर. तो ये क्या एज ए एमीटर वर्क करना स्टार्ट कर देगा. सर्किट डायग्राम की मदद से हम समझते हैं. यू कैन ट्राई, तो दिस इज द आई करंट फ्लोइंग इन. तो यहाँ पे हमारा ये गैलोमीटर है, ये गैलोमीटर है, तो ये हमारा शंट रेजिस्टेंस है. तो ये क्या कनेक्ट कर दिया हमने इसके साथ पैरेलल में. तो अब जो ये गैलोमीटर रीडिंग्स देगा वो रीडिंग्स देगा एज ए एमीटर. तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी हम पैरेलल में शंट को लगा देंगे तो ये हमारा एमीटर की तरह बिहेव करेगा. अब कुछ डिस्कस करेंगे, इसके कुछ पॉइंट्स हम क्लियर करते हैं. हमने ये तो जान लिया कि इसकी कंडीशन ये है और इसका सर्किट डायग्राम. अब पहला पॉइंट, यदि हमें सेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो किस तरह से निकालेंगे. तो फोर सेंट रेजिस्टेंस, तो सेंट रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, वोल्टेज थ्रो द एस, वी से कितना वोल्टेज है इज इक्वल टू हो जाएगा वोल्टेज थ्रो गैलोमीटर. तो हम करते हैं तो आई माइनस आई जी इंटू में एस, तो आई माइनस आई जी इंटू में एस और आई जी इंटू में जी. तो ये भी हमने किया, यहां से हमने एस की वैल्यू निकाली आई जी जी अपॉन में वन आई माइनस आई जी. दिस इज द वैल्यू ऑफ द शंट रेजिस्टेंस. तो इस तरह से आप शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो. आगे यदि इसमें 4n डिवीजन डिफ्लेक्शन, यदि n टाइम डिफ्लेक्शन हो रहा है तो हमारा जो ij करंट है, करंट थ्रू द गैलोमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा n k के. n क्या यहाँ पे n डिवीजन है, k क्या यहाँ पे डिफ्लेक्शन. तो रखेंगे हम इसमें वैल्यू ij में n k g i माइनस n k. दिस इज द शंट रेजिस्टेंस वैल्यू. आगे हम करते हैं कि करंट सेंसिटिविटी ऑफ द एमीटर, इसकी सेंसिटिविटी क्या होगी. तो सेंसिटिविटी को पहले डिफाइन करेंगे. तो सेंसिटिविटी क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन इन द कॉइल, कॉइल में कितना डिफ्लेक्शन है पर यूनिट करंट, करंट के फ्लो होने से कॉइल में कितना डिफ्लेक्शन आया उसे कहेंगे हम करंट सेंसिटिविटी. इसे हम एस ए से डिनोट करेंगे एमीटर सेंसिटिविटी. तो इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा, अल्फा क्या हमारा डिफ्लेक्शन इन द कॉइल अपॉन में आई क्या टोटल करंट. तो ये आ गया एस इक्वल टू अल्फा अपॉन में आई. और यहीं से हम डिवीजन पर एम्पियर, ये क्या होगा इसकी एसआई यूनिट. आगे करते हैं अब सेकंड केस, कन्वर्जन ऑफ द गैलोमीटर इनटू द वोल्ट मीटर. हमने पहले किया कि गैलोमीटर को हम एमीटर में किस तरह कन्वर्ट करेंगे. अब करेंगे हम कि गैलोमीटर को हम वोल्ट मीटर में किस तरह कन्वर्ट करेंगे. तो इसके लिए फिर वही हमें कंडीशन याद रखनी है. तो पहली कंडीशन, व्हेन ए वेरी हाई रेजिस्टेंस यानी कि आर, उसमें क्या लिया था हमने वेरी लो रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम वेरी हाई रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज. हमें इसे अब सीरीज में कनेक्ट करना है, ये याद रखना हमें इन सीरीज. पहले में हमने पैरेलल में कनेक्ट किया था विद ए गैलोमीटर, देन दिस गैलोमीटर एक्ट वर्क्स एज ए वोल्ट मीटर. तो ये क्या करेगा, गैलोमीटर वोल्ट मीटर की तरह बिहेव करना लगेगा. तो इसका सर्किट डायग्राम, तो हमने क्या लिया वेरी हाई रेजिस्टेंस आर कनेक्ट किया हमने गैलोमीटर के साथ इन द सीरीज. तो सीरीज में हमने कनेक्ट किया तो ये एक्ट करेगा एज ए वोल्ट मीटर. तो ये क्या है इसका सर्किट डायग्राम. अब इसके कुछ पॉइंट्स क्लियर करेंगे हम. तो पहला पॉइंट है कि फोर रेजिस्टेंस, तो यदि हमें इस आर की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगी, तो हमें पता है इक्वल टू का क्या होता है, उन सौ से इक्वल टू आई आर. तो वी इज इक्वल टू आई, आई कौन सा हमारा आई जी गैलोमीटर, आर आर कितना हमारा, एक तो हाई रेजिस्टेंस है और एक जी के साथ गैलोमीटर के साथ है, तो क्या होगा आर प्लस के जी. तो यहां से हम इस आर की वैल्यू निकालेंगे
तो क्या होगा, इसे नीचे लाएंगे तो v अपॉन में आई जी, ये इधर प्लस है तो ये माइनस के जी, तो ये क्या आ गया हमारा हाई रेजिस्टेंस आर। फॉर एन डिवीजन रिफ्लेक्शन, यदि एन डिवीजन रिफ्लेक्शन है तो क्या होगा, आई जी बराबर एन के, तो यहाँ पे आई जी की जगह एन के रखेंगे, तो आर इज इक्वल टू वी अपॉन में एन के माइनस जी। तो दिस इज द फॉर एन डिफ्लेक्शन। आगे हम करेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द वोल्ट मीटर, तो इसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, तो सेंसिटिविटी को हम डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन इन द कॉइल पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स, एंड्स पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो, और क्या हमारा डिफ्लेक्शन इन द कॉइल, टोटल डिफ्लेक्शन कितना है। तो हमें इसे नोट करते हैं एस वी से, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू अल्फा क्या, डिफ्लेक्शन इन द कॉइल अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज द। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो ये हमारे दो स्पेशल केस हैं गैलोमीटर के, वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम्स। तो किस तरह से हम गैलोमीटर को एज एमीटर में कन्वर्ट करेंगे और गैलोमीटर को हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे।